वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कैपकट में आपका कैसा स्काई चेंज वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। प्रीव्यू आपने वीडियो का स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। ओके, स्काई चेंज वीडियो एडिटिंग के साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसे लेंस ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो नया वाला, एंड साथ ही मैं आपको कैसे इसमें स्लो मोशन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, एंड अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्काई चेंज वीडियो एडिटिंग तो हम कैपकट में ही करेंगे, बट कैपकट को यूज करने के लिए आपको पता होगा किसी वीपीएन से हमें कनेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्विक वीपीएन में जस्ट साउथ कोरिया को टैप किया तो साउथ कोरिया में कनेक्ट हो गया ना। उसके बाद आपको कैपकट को ओपन करना। अब हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते, तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते, देन उसके बाद हमें अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना होगा। सो अपनी वीडियो के ऊपर टैप करके ऐड करें। ठीक है, वीडियो ऐड हो चुका। नाउ इसे आप प्ले करोगे तो देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल से वीडियो है। अगर इसमें हमें थोड़ा स्लो मोशन कर दे या फिर फास्ट मोशन कहीं पे कर दे तो वीडियो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, देख सकते हो ये थोड़ा नॉर्मल टाइप का। ओके, अब इसके ऊपर क्लिक करते, स्लो या फास्ट मोशन करने के लिए आप स्पीड के ऊपर क्लिक करना, कर्व के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, एंड उसके बाद कस्टम के ऊपर टैप करके एडिट के ऊपर टैप कर लेंगे। ओके, ना उसके बाद इसमें आपको एक बार मैं बेसिक दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। अगर आप इसे नीचे करोगे तो आपका जो वीडियो होगा वो स्लो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हो स्लो हो गया। अगर आप इसे ऊपर करोगे तो आपका जो वीडियो होगा वो फास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो देख सकते हो फास्ट हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, इसका बेसिक है। फिलहाल इसे हम रिसेट करते। नाउ आपको ना एक यहाँ पे मैं एक अच्छा ग्राफ दिखाता हूँ, अगर उस ग्राफ को आप बनाओगे तो आपका भी वीडियो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करो ना, यहाँ पे मिडिल में आ जाओ। यहाँ पे हर एक का मिडिल में आप देख पा रहे हो खाली खाली है। ठीक है, तो आके ऐड बीट कर दो। यहाँ पे मिडिल में आओ और एक बीट ऐड कर दो, मिडिल में आओ और एक बीट ऐड कर दो। ओके, इस तरीके से बीट ऐड कर देने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाले को नीचे करना है, फिर इसके थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, एंड इसे थोड़ा सा ऊपर करना है। तो आप देख सकते हो एक सीढ़ी टाइप का बन गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसे भी नीचे करना होगा, फिर इसे थोड़ा सा ऊपर करना होगा, एंड इसे थोड़ा सा ऊपर करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपको एक सीढ़ी टाइप का बनाते जाना है। और यार ये ग्राफ जो है ना काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, आपको क्या करना है, इसे नीचे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और बीट ऐड कर लेते हैं, एंड इसे थोड़ा सा ऊपर करते। लो भाई, बन गई हमारी सीढ़ी। देखो इस तरीके से करके मैंने तीन सीढ़ी यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो आप भी इस तरीके, मीन्स आप अगर आपका वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो ज़्यादा सीढ़ियाँ बनेंगी। ओके, तो इस तरीके से अपने सीढ़ी बना लेना, एंड उसके बाद आपको डन करना। तो देख पाओगे कि आपका जो वीडियो है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्लो रहा है, फिर फास्ट हो रहा है, फिर स्लो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी बेटर लग रहा है। अगर आपको लगे कि यार कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है तो इसे आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, और अगर आपको लगे कि यार कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया तो आप उसे नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर लेना, बट ये सीढ़ी टाइप का बनाना काफी अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, उसके बाद मैं इसे डन करता हूँ, देन उसके बाद देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो वीडियो परफेक्टली हो चुकी है। ठीक है, स्लो मोशन। अब उसके बाद इसमें हम स्काई चेंज वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो स्काई को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ना ओवरले के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ओवरले के ऊपर क्लिक करते, ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करते, देन उसके बाद हमें जो स्काई इसमें ऐड करना होगा उस वाले स्काई को सेलेक्ट करेंगे, एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा स्काई यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्काई का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और स्काई तो आप उसे यहां पे ऐड कर लेना। ठीक है, तो सिंपली से इसे हम यहां पे ऐड करते, एंड अपने ओरिजिनल वाले स्काई में इसे फिल कर लेते हैं। ठीक है, नाउ स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक मास्क का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहां पे हमारा मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद आपको सेकेंड वाला यूज करना है। देख सकते हो ये वाला, नन के बाद आपको स्प्लिट मिलता है, तो स्प्लिट को आपको सेलेक्ट करना, एंड इसे नीचे करना यहाँ पे। ठीक है, सर्कल मिल रहा हो, इस सर्कल को पकड़ के नीचे आप कर सकते हो, एंड उसके बाद ये एरो वाले से आप इसे फीदर कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपको यहाँ पे जस्ट फीदर करना है, एंड इसे डन करना है ना। उसके बाद आप प्ले करोगे तो आप देख सकोगे कि आपका स्काई तो चेंज हो गया, बट यार ये जो स्काई का इफेक्ट है ना वो हमारे फेस के ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो उसे सॉल्व करने से पहले क्या करता हूँ ना, लास्ट में आके इसे हम कट कर लेते हैं स्काई को। ठीक है, के बाद इसे यहाँ से डिलीट कर लेते। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बैक करके अपने वीडियो के ऊपर टैप करना होगा, एंड स्क्रॉल करके आपके सामने एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना, एक कॉपी हो गया। देन इसके ऊपर टैप करके आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको एक ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है तो ये ओवरले में आ जाएगा। अब इसे यहाँ से पकड़ के आप नीचे में इसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये एडजस्ट कर लोगे
देन उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने एक कटआउट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर टैप करके रिमूव बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इसका बैकग्राउंड को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा, आपके फेस के ऊपर से भी आपका स्काई हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे फेस के ऊपर से ये स्काई हट चुका है, और यार ये स्काई जो है ना वो थोड़ा नीचे भी है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। ओके, मीन्स अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर लेना। देन इसे हम बैक करते और उसके बाद इसमें लेंस ब्लर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे सामने बेसिक में हेक्सागोनल करके एक मिलेगा, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड डन करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इसका ड्यूरेशन जितना रखना चाहो उतना रख देना, और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसे ऑल वीडियो कर लेना, उसके बाद डन करेंगे तो हमारे परफेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि आप डे वाला मीन से कैसे कर सकते हो। ये देख सकते हो ये पूरा वीडियो जो लग रहा है वो डे में लग रहा है। ठीक है, अगर आपको नाइट वाला करना है मीन्स मून वाला अगर करना है तो आप उसे कैसे कर सकते हो, मून एडिटिंग करनी तो कैसे कर सकते हो। अब ये एडिट हो चुका है ना, सिंपली सही से एक्सपोर्ट कर लेते। ओके, सो डे वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब मून पीएनजी वाला एडिटिंग करते हैं हम। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन उसी तरीके से हमें अपना वीडियो को सेलेक्ट कर लेना होगा एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। फिर से आप स्पीड के ऊपर आके जस्ट कर्व के ऊपर आना एंड कस्टम के ऊपर क्लिक करके अपना यहाँ पे आपको एक वही सीढ़ी बना लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट सीढ़ी बना लेता हूँ, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमारी सीढ़ी बन चुकी है, देन उसके बाद डन करते हैं तो स्लो मोशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मून स्काई चेंज वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें ओवरले के ऊपर क्लिक करना होगा, ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना होगा एंड इस बार हमें थोड़ा नाइट वाला स्काई लेके आना होगा। ठीक है, तो ये नाइट वाला स्काई को हम सेलेक्ट करते एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर लिया। ठीक है, तो नाइट वाला स्काई आ गया ना, उसके बाद इसे अच्छे तरीके से आपको स्क्रीन में फिल करना है एंड स्काई में आपको ऐड कर देना है। ठीक है, फिर से सिमिलरली आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा, मास्क के ऊपर आना होगा, स्प्लिट के ऊपर आके जस्ट इसे नीचे करना एंड इसे फिदर कर देना। ओके, तो जैसे कि हमने पहले किया था उसी तरीके से करेंगे एंड डन करेंगे एंड अगेन हमारे सामने वही प्रॉब्लम आएगा कि वी आर फेस के ऊपर मीन्स स्काई आ जाएगा, तो उसे मैं सॉल्व करूंगा। बट उससे पहले यहाँ पे मून पीएनजी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके फोटोज में आते हैं और यहाँ से जस्ट हम मून पीएनजी को सेलेक्ट करते हैं, और ये जो मून पीएनजी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देन उसके बाद इसे यहाँ पे ऐड करते देन स्प्लाइस के ऊपर आके जस्ट आपको फिल्टर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड इसे डन करना, देन उसके बाद मून का साइज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसका ड्यूरेशन को पूरे वीडियो के लास्ट तक कर देंगे। ठीक है, और स्काई का भी ड्यूरेशन पूरे वीडियो के लास्ट तक फिक्स कर लेंगे। ओके, ना इस तरीके से अच्छे तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लेना। देन उसके बाद ये जो फेस के ऊपर हमारा स्काई आ जा रहा है, इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया था। यहाँ पे बैक करना एंड अपने वीडियो के ऊपर टैप करके यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके कॉपी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर टैप करके जस्ट ओवरले के ऊपर क्लिक कर देंगे, ओवरले में आ जाएगा। फिर उसके बाद इसे यहाँ पे पकड़ के नीचे लेके आएंगे और इसका जो बैकग्राउंड होगा उसे रिमूव कर देंगे। सो कटआउट के ऊपर क्लिक कर दे, रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते, थोड़ा सा वेट करने के बाद बैकग्राउंड रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बैक करते तो आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो परफेक्टली यहाँ पे बन गया। बस इसमें अब लेंस वाला इफेक्ट अप्लाई करना है, और लेंस वाला इफेक्ट अप्लाई करने से पहले आप देख सकते हो ये जो वीडियो का स्काई है वो तो ठीक है कि नाइट वाला सीन आ रहा है, बट वीडियो के नीचे ये मीन्स ये तो यार लग रहा है कि दिन का है। तो ये मेन से सही करने के लिए आपको अपनी मेन वीडियो के ऊपर टैप करना होगा, देन स्क्रॉल करके आप यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर आओ। ठीक है, और इसका जो सेचुरेशन है ना उसे बिल्कुल जीरो कर दो। ओके, सेचुरेशन जैसे ही जीरो करोगे आपके सामने देखने को लगेगा कि हाँ अब लग रहा है यार कि नाइट वाला सीन है। ठीक है, तो इतना करोगे एंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पे टेम्परेचर का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आके इसे कम कर देना। ठीक है, इसे आप कम करोगे तो और लगेगा कि हाँ नाइट का सीन है। ओके, तो ये कर लेना, लगने लगेगा आपको वीडियो को नाइट का सीन है, देन डन करते। उसके बाद यहाँ पे भी लेंस वाला इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से बेसिक में आके हेक्सागोनल को सेलेक्ट करेंगे, डन करेंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके ऑल वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और इसे पूरे वीडियो के लास्ट तक कर, सॉरी हाँ जितना दूर तक हमें रिक्वायर्ड होगा उतना दूर तक करेंगे, वीडियो के लास्ट तक नहीं। ठीक है, और लो भाई बन के वीडियो रेडी हो चुकी। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप दोनों टाइप का वीडियो को क्रिएट कर सकते हो, डे वाला भी और नाइट वाला भी। मैंने दोनों ही प्रॉपर वे में आपको बता दिया है, तो क्रिएट कर लेना। अब क्रिएट हो चुका तो एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करके यहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आया होगा क्योंकि मैंने हर एक चीज को डिटेल में बताया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।